जेल विभाग में आरक्षक के पद पर पदस्थ देवी अहरवार की पत्नी लक्ष्मी अहरवार आग से जल जाने के बाद अस्पताल में भर्ती हुई है, जहां पर लक्ष्मी अहरवार ने खाना बनाते समय आग लगने की बात कही है। वहीं उसके बेटे ने भी इसी तरह की घटना को उल्लेख किया है, लेकिन बेटी का कहना है कि घर में विवाद होता था, इस कारण से उसकी मां ने आग लगाई है। हालांकि इस मामले की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है, साथ ही जो पीड़ित महिला है उसके बयान बेटे के बयान एक समान है, वहीं बेटी का बयान अलग तरह का है। इस मामले पर पुलिस जांच में जुटी हुई है, जांच के बाद ही घटना के कारणों का खुलासा होगा। क्या गैसेस से जल रही है? चूल्हे में बना रहे, फिर क्या होगा? और कोई बात तो नहीं? कि मम्मी तक कैसे जल गई हैं वो? वो घर में चूल्हा जला रही थी और पल्लू में आग लग गई तो पूरे में आग लग गई। जब वो खाना घर पे कोई नहीं था क्या? घर पे वो दीदी थी, कहीं गई थी, पापा थे, वो अंदर बना रही थी, पीछे चूल्हे में आग लग, वो पल्लू में आग लग गई तो जल गई। इसका मतलब घर पे कोई नहीं था उस समय पे? नहीं, पापा थे, पापा सो रहे थे। पापा क्या काम करते हैं? पुलिस में है, जी पुलिस। क्या नाम है? देवी प्रसाद अहरवाल। और मम्मी का नाम? लक्ष्मी बाई है। फिर वो कैसे बचाया गया, कैसे आग बुझाई? नहीं, मैं तो बाद में आया था, फिर मेरे को पता चला, मेरा दोस्त आया था बताने, क्योंकि आपकी मम्मी को आग ही लग गई, तो फिर मैं पहुंचा तो मम्मी बाहर बैठी थी, बिल्कुल छाल आल उड़े, फिर हम हॉस्पिटल लेके आए इनको। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? धनेश्वर अहरवाल। क्या हुआ है, नहीं कौन है आपकी? मेरी माँ। क्या हो गया? आग लगा ली। क्या नाम है इनका? लक्ष्मी। किस वजह से लगा ली? ऐसे ही घर में लड़ाई झगड़े होते, उसकी वजह से।